ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने रविवार को ग्राम हिम्मतपुरा से श्री मांगट महाराज के मंदिर तक पदयात्रा की। विधायक रावत ने अपने पैतृक गांव हिम्मतपुरा में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ लोक देवता मांगट देव जी महाराज की पदयात्रा शुरू की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता, सरपंच, पार्षद तथा उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक रावत को माला व साफा पहनाकर पदयात्रा की शुरुआत करवाई। ब्यावर जिले में शांति और खुशहाली व अच्छी बरसात के साथ साथ प्रदेश की 5 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा को जीत की कामना को लेकर पदयात्रा पूर्ण की। विधायक रावत ने मांगट देव जी महाराज के दर्शन कर ब्यावर जिले में शांति और खुशहाली की मनोकामना पूरी होने और प्रदेश में होने वाले 5 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भारी मतों से जीत मिले इसका आशीर्वाद मांगट देव जी महाराज से लिया। पदयात्रा के दौरान जगह जगह पर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा विधायक रावत का जोरदार स्वागत भी किया गया। मांगट जी महाराज का दिन है और मांगट जी महाराज इस मगरे के वो देवता हैं जो सारी मनोकामना पूरी करते हैं सब और लोगों की पूरी उनमें आस्था है। और कल हमारे प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई जयपुर में, उसमें पूरे राजस्थान से सभी पदाधिकारी, सारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, मंत्रीगण और हमारी सरकार पूरी इकट्ठी हुई और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सबने एक ही मांग सबकी रही कि हमारे राजस्थान में 5 उपचुनाव होने हैं और 5ों की 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते इसके ऊपर सबका मनन हुआ, मंथन हुआ। और मैंने भी जो हमारी आस्था होती है उस रूप में कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 5ों की 5ों सीटें जीत करके और राजस्थान में 5ों सीटें जीते और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के हाथ मजबूत हो और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस ये यहाँ का मैसेज जाए कि आप हमारे राजस्थान की जनता आपके प्रति पूरे खुशहाल हैं, पूरे आपके प्रति पूरी आस्था रखते हैं। मोदी जी के अंदर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये आस्था मान करके मांगट जी महाराज के लिए हम मनोकामना लेकर के जा रहे हैं। ये मांगट जी महाराज आपका बहुत बड़ा पर्चा है, निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में हमारी 5ों की 5ों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत के आनी चाहिए। इसी मनोकामनाओं को लेकर के आज ब्यावर से ब्यावर विधायक मैं शंकर सिंह रावत जो आज मांगट जी महाराज के पद यात्रा कर रहे हैं और 5ों हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरपंचगण और कार्यकर्तागण, चेयरमैन साहब, पार्षदगण, यहाँ के हमारे प्रधान जी गणपत सिंह जी, सारे सरपंचगण एक साथ में हम पद यात्रा करके